नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वरिषा सिद्दीकी। तो जैसे कि आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आज वर्चुअल रैली चल रही है, जो कि हल्द्वानी के जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं कपिल कॉम्प्लेक्स में, जहां मोदी जी वर्चुअली आकर यहां के लोगों से जनसंपर्क में जुड़े हैं और काफ़ी मात्रा में भीड़ नज़र आ रही है। ये जो वर्चुअल रैली है सिर्फ कपिल कॉम्प्लेक्स में ही नहीं, बल्कि हल्द्वानी के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही है, जहां लोगों का भारी हुजूम देखने को मिल रहा है। यहां पर आप जैसे पीछे, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से अनुरोध करूंगी कि वो जनता को दिखाएं कि कितनी भारी मात्रा में यहां जनता मौजूद है। और अभी हम जनता से बात करके आपको बताएंगे कि उनकी पीएम मोदी की ये वर्चुअल जो सभा है, उन्होंने उन्हें कितना प्रभावित किया। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि मोदी जी लाइव हैं, मोदी जी वर्चुअली जनसंपर्क कर रहे हैं यहाँ की जनता से, और यहाँ काफ़ी मात्रा में महिला, युवा और सारे वोटर्स मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ महिला, हम उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम, आपका क्या नाम है? प्रेमवती जी। प्रेमवती, अच्छा जी, आज आपने मोदी जी को सुना, तो क्या क्या प्रभाव पड़ा आपके इनकी वर्चुअल सभा का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपको। तो आपकी बार आपको क्या लगता है, किसका, किसकी सरकार बनेगी? वैसे बनना तो यही चाहिए, लोग छल कर देते हैं ना। अच्छा, चलिए, यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम, आपका नाम? शोभा। शोभा, तो आज आपने सभा सुनी मोदी जी की वर्चुअल रैली, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपको क्या लगता है कि आपकी बार साइड की बार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? होएगा। तो आपने किसको, किसके समर्थन में आपका मत जाएगा और क्यों जाएगा? मोदी जी का। तो आप मोदी जी के चेहरे को वोट देंगी? तो या जो हमारे प्रत्याशी है बीजेपी के, डॉक्टर जोगेंद्र पाल रौतेला, उनके चेहरे पे वोट देंगी? डॉक्टर जोगेंद्र। आइए, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम पंकज कपूर। जी सर, आज जैसे जनसभा थी, वर्चुअल सभा थी मोदी जी की, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला के मतदान? प्रभाव तो है ही, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इससे। हर चीज वर्चुअली होने वाला है, कुछ हो नहीं सकता है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो मोदी जी 10 तारीख को भी यहाँ आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, इस बार भी वो सौगात देने जाएंगे जैसे पिछली बार दी? बिल्कुल, 60+ में हम लोग आएंगे, इससे नीचे नहीं आएंगे। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ, हम इनसे भी बात करेंगे। मेरा नाम राज गुप्ता है, मैं IG कंपनी में इंजीनियर हूँ। अच्छा, तो सर जैसे कि आज सभा थी मोदी जी की, तो आपको क्या लगता है, लोग यहाँ मोदी जी को सुनने ज्यादा आए थे या फिर वो जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी के चेहरे पे वोट देंगे? सर यहाँ पे मोदी जी का नाम छाया हुआ है, मोदी जी विधायक के रूप में जोगेंद्र रौतेला जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि एक स्वच्छ छवि जो है मेयर जिसने बहुत अच्छी छवि बना रखी है हमारे हल्द्वानी में, उत्तराखंड में, हमारे पर्वतीय मोहल्ले का पूरा विकास कर रखा है, हर चीज सफाई के साथ है और हर काम हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बीजेपी का कि उन्होंने हमारे लिए, हमारी आम जनता के लिए काफी अच्छा काम कर रखा है, मैं धन्यवाद करता हूँ। तो अभी हमारे साथ मौजूद है हल्द्वानी के नगर अध्यक्ष, अब हम उनसे बात करेंगे। सर, ये जो वर्चुअल जनसभा हुई है यहाँ पर मोदी जी की, तो इससे कितना प्रभाव पड़ेगा आम जनता पर? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं उत्तराखंड की जनता और हल्द्वानी विधानसभा की जनता की ओर से आदरणीय मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि इतनी जल्दी पुनः दोबारा हमें उनका उद्बोधन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हल्द्वानी विधानसभा में आज 4 जगह आदरणीय मोदी जी की वर्चुअल सभा हुई है, और जैसा कि अभी आपने भी उनको सुना है कि उन्होंने 10 साल के UPA शासन की और 7 साल के अपने शासन में उत्तराखंड को जो दिया है, वो उन्होंने यहाँ पर अंतर यहाँ पर बताया है। जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि 10 गुना से ज़्यादा तो उत्तराखंड में 7 साल के शासन में सड़कों के लिए पैसा आ गया है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ही लगभग 10 गुना ज़्यादा सड़कें बनाई गई हैं। तो सर, आपको क्या लगता है, ये जो जनता है वो मोदी जी के चेहरे पे वोट देगी, जो यहाँ के प्रत्याशी है उनके चेहरे पे वोट देगी? देखिए, अभी मोदी जी यहाँ पे बोल रहे थे डबल इंजन की सरकार। देखिए, मोदी जी का नेतृत्व सब हम जानते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो विकास जनता तक पहुँचे, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचे, उसके लिए आवश्यक है कि प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हों।
ताकि वो उस पैसे को बीच में रोक के ना रोक के नीचे तक पहुंचा पाए। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो जनता है वो मोदी जी के चेहरे पे वोट देगी। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी के काम के साथ साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी यहाँ पे प्रदेश में बहुत काम किए हैं। धामी जी के इस अल्प मतलब शॉर्टकालीन कार्यकाल में भी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि खासतौर में युवा वर्ग उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ है, और हमारे वर्तमान में जो इस विधानसभा से प्रत्याशी हैं डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी, जब वो सभाओं में जा रहे हैं तो हमें उनसे बोलना पड़ रहा है भाई साहब समय कम लो, वो 40-40, 50-50 मिनट नगर निगम की उपलब्धियां ही बता पा रहे हैं, इतने काम नगर निगम के उनके शासन के दौरान किए गए हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, नगर निगम में भी, प्रदेश की सरकार द्वारा भी और केंद्र की सरकार द्वारा भी जो काम किया है, हम सब उन्हीं कामों के आधार पर वोट मांग रहे हैं। और मैं नगर अध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का मैं आपसे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गर्व के साथ जनता के बीच अपने काम के आधार पर वोट मांगने के लिए आ रहा है।